हेलो एवरीवन, आई बलदमश खान और आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। इस नाम ही में सबसे पहले आपका क्या रहा है, नंबर। तो हम नंबर किसे कहते हैं? तो हमारा मेन पॉइंट है, व्हाट इज कॉल्ड अ नंबर। तो पहले हम नंबर को समझेंगे, व्हाट इज अ नंबर। तो नंबर हम किसे कहते हैं? नंबर के बारे में हम कह सकते हैं कि नंबर एक प्रकार का विचार है। जैसे मैं पूछूं, फर्स्ट बेंच में जो स्टूडेंट बैठा है, बताइए रमेश आपके पास कितने पेंस हैं, तो वो कुछ आंसर देगा। तो जो वो आंसर देगा उसे ही हम एक आइडिया कहते हैं, जिसे हम नंबर के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं नंबर इज एन आइडिया विच answers the question that is how many books you have, या और भी एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, how many pens you have। तो नंबर के बारे में आपसे कोई भी पूछे नंबर क्या है, तो बोलेंगे नंबर इज एन आइडिया विच answers the question, कैसा क्वेश्चन, जिस जैसे हाउ मेनी बुक्स यू हैव। तो हमने नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर समझ लिया है, नंबर क्या है। अब हम देख रहे हैं नंबर दो प्रकार के हैं, एक है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। फर्स्ट नंबर में आपको पढ़ना है नंबर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर में है रियल नंबर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर क्या है? इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वैसे सारे नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। ये आपने क्लास 8 में क्लास 7 में पढ़ा होगा, उसे हमने रिमाइंड कर दिया। नंबर्स which can be represented on the number line is called a real number। हमने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 1 में हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम। जब हम लोग क्लास 10 में जाएंगे तो उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो इसके बारे में और हम लोग काफी डिटेल से बात करेंगे क्लास 10 में, अभी इसके बारे में कुछ आपको बता दें। तो रियल नंबर का डेफिनेशन आप सभी जानते हैं, नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन is called a real number। अब हम इसको दूसरे वे में डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं वैसे सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पे उनका साइन पॉजिटिव आता हो उन्हें भी हम रियल नंबर्स कहते हैं। उन्हें भी हम क्या कह सकते हैं? रियल नंबर्स। तो इसको पहले देख लेते हैं और करके आप लिख सकते हैं, इफ द साइन ऑफ अ नंबर क्या, इसको इस तरह से कह सकते हैं, इफ ए नंबर
gives positive sign on squaring. तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी नंबर का स्क्वायर किया जाए और देखा जाए कि उनके पहले किस तरह का साइन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर वो पॉजिटिव रहा स्क्वायर करने पर तो उसे हम क्या कह सकते हैं, रियल नंबर्स। जैसे हमने कुछ नंबर्स लिया जैसे 3 -3 √5 -√3, इस तरह से हम सभी को स्क्वायर करके देखेंगे। जैसे हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 9, -3 का स्क्वायर करते हैं तो हमें फिर मिलता है 9, फिर हम √5 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 5, फिर हम -√3 का स्क्वायर करते हैं तो हमें माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया 3 का स्क्वायर करने पे ये क्या चीज में आता है, ये प्लस में आया, -√3 का स्क्वायर ये भी प्लस में, √5 का स्क्वायर ये भी प्लस में, -√3 का स्क्वायर ये भी प्लस में। तो हमने यहाँ पे देखा कि जितने भी नंबर्स हैं, यहाँ हमने 4 नंबर्स लिया है, बहुत सारे हो सकते हैं, सभी का स्क्वायर करने पे हमारा ये साइन जो आ रहा है प्लस में आ रहा है। तो इस प्रकार के नंबर्स को हम रियल नंबर्स कह सकते हैं। अब हमने कुछ डिफरेंसेस जो अभी बोर्ड पे लिखा है, आप इस वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो हमने समझ लिया रियल नंबर्स किसे कहते हैं। रियल नंबर उसे सिंपल डेफिनेशन तो उसका हो जाता है, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड अ रियल नंबर, एंड वैसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पे साइन पॉजिटिव आता है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। इफ ए नंबर गिव्स पॉजिटिव साइन ऑन स्क्वायरिंग इज कॉल्ड अ रियल नंबर। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं? नंबर्स हमने बताया, नंबर्स दो तरह के हैं, एक है रियल नंबर्स, दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स। हमने रियल नंबर्स जान लिया तो अब हम जानेंगे इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स को अगर हम हिंदी में देखें इसका मतलब समझें तो इसका मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं का क्या अर्थ है? काल्पनिक संख्याएं का अर्थ है जो वास्तव में नहीं है, बस कल्पना के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। तो ये क्या है, हम कह सकते हैं अभी हमने कहा था रियल नंबर्स, वैसे नंबर जिसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में हम कह सकते हैं द नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। इसका सिंपल डेफिनेशन आप इसे भी पहले नोट कर लें, द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी वैसे नंबर्स जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। इसको हम दूसरे डेफिनेशन में देख लें तो हम कह सकते हैं ठीक इसका उल्टा रियल नंबर्स का, यानी हमने रियल नंबर्स में देखा कि यदि नंबर्स का स्क्वायर करने पर साइन पॉजिटिव आ रहा है तो उसे हम रियल नंबर्स कह रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे यदि किसी नंबर का हम स्क्वायर तो करेंगे लेकिन अगर उसका साइन पॉजिटिव नहीं आकर निगेटिव आ जाए
तो उसे हम लोग इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं इफ ए नंबर गिव्स नेगेटिव साइन ऑन स्क्वायर, यदि कोई नंबर नेगेटिव साइन देता है स्क्वायर करने पर तो उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं इसका, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिया अंडर रूट माइनस थ्री, अंडर रूट माइनस सेवन, हम इनका स्क्वायर करके देख लेते हैं माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, तो सॉरी माइनस आपका यहां है, तो हमने देखा कि यहां इसको किस तरह से सोल्व कर देंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस थ्री का पावर टू, और ये रूट जो है इसको क्या कहते हैं हाफ पावर, तो इससे ये दोनों कैंसिल हो गया तो आपका बच जाता है माइनस थ्री। ठीक उसी तरह से यहां पर भी हम देख रहे हैं अंडर रूट माइनस सेवन है, इसका स्क्वायर करने पे हम पाते हैं माइनस सेवन का पावर टू का ये क्या हो जाएगा अंडर रूट पावर हाफ में आ जाएगा, तो ये आपको क्या मिल जाता है माइनस सेवन। तो हमने देखा इसके पहले जो हमें साइन मिल रहा है वो नेगेटिव है, यहां पर भी हम देख रहे हैं सेवन के पहले जो साइन आ रहा है वो भी नेगेटिव है, तो इस प्रकार के नंबर्स को हम कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब इसके बारे में और डिटेल से हमें क्लास 11th में पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर्स हम क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स में ही हम फिर से बात करेंगे आपसे रियल नंबर्स के बारे में। तो हमने आपको रियल नंबर्स के बारे में दो डिफिनेशन बताया, पहले हमने एक बताया वैसे नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन हमने ये बताया कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पे उसका साइन पॉजिटिव आता है तो भी वो रियल नंबर्स कहलाता है। इसको हम और तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं, रियल नंबर्स इसका सबसे इजी वे में डिफिनेशन है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो सबसे पहले अब हमें समझना पड़ेगा रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर हमें जानना है, तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन हम बहुत इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं, वैसे नंबर्स जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो हम बोल सकते हैं द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, जबकि ये जो q है यानी डिनोमिनेटर वो आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं द
नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके, 3/4 -4/5 1/2 3/7 और भी कह सकते हैं 8/5। हमने यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिया है रेशनल नंबर्स का। हमने इसमें ये बात नहीं कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि न्यूमेरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा या डिनोमिनेटर जो है न्यूमेरेटर से छोटा होगा या डिनोमिनेटर जो है यहां दिख रहा छोटा आपको न्यूमेरेटर से, यहां न्यूमेरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये कुछ मायने नहीं रखता है। बस हम ये सारे नंबर्स को p by q के फॉर्म में लिख पाए हैं, इसलिए हम इन सभी को कह सकते हैं कि ये सब रेशनल नंबर्स हैं। हमने यहाँ पे किसी नंबर्स को भी नहीं लिखा है जिसमें डिनोमिनेटर का फॉर्म जीरो है, यानी q is equal to zero। तो ऐसा नंबर्स नहीं लिख सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर यानी q जीरो के बराबर हो। q will always not equal to zero in rational numbers। तो जैसे एक डेफिनेशन हमने ये दिया है, वैसे नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। और भी तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी इसके डेसिमल नंबर्स को उनके डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर। जैसे हमें देखना पड़ेगा कि किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड देने पर उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का आ रहा है, उस हिसाब से भी हम लोग कह सकते हैं कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। तो वैसे कंडीशन में हमें यह देखना पड़ेगा कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है डेसिमल के बाद किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल के बाद अगर रिपीट कर रहा हो और टर्मिनेट नहीं कर रहा हो तो उसे हम रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेंगे, द नंबर whose decimal expansion is repeating but not टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे हमने नंबर लिया है 4.3333…… हमने देखा डेसिमल के बाद हमारा ये जो नंबर है 3 ये बार बार रिपीट कर रहा है लेकिन ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये इनफिनिट तक लिखा जा सकता है। और भी नंबर्स हम देख सकते हैं जैसे 4, 5, 2, 3, 9, 3, 9, 3, 9… हमने देखा यहां पर भी ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसके बाद दो दो डिजिट्स मिलकर रिपीट कर रहे हैं और ये टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, इन्हें भी हम क्या कह सकते हैं रेशनल नंबर्स। तो एक बात ये आया कि अभी हमने कहा था
the number which can be written in the form of p by q, where q not equal to 0, is called a rational number. यानी वैसे नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स. और अभी हमने यहाँ पे लिख दिया है द नंबर whose decimal expansion is repeating but not terminating is called a rational number. तो हमने देख लिया कि 4.333 एक एग्जांपल, 4.2.39 दो एग्जांपल. तो इस तरह से बहुत सारे नंबर्स लिखे जा सकते हैं. इन सभी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है. ये भी आपका रेशनल नंबर है और ये भी आपका रेशनल नंबर है. अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो अगर हम नंबर देखते हैं जैसे 2.5, तो इसको हम लोग p by q के फॉर्म में आसान तरीके से लिख सकते हैं. इसका डेसिमल हटाएंगे, 10 बैठाएंगे इसकी जगह पर, कट कर देंगे, 5 2 10, 5 5 25, ये आपको मिल गया 5/2. तो ये आपका आ गया p by q के फॉर्म में. लेकिन अब हम इसे कैसे लिखेंगे p by q के फॉर्म में, तो ये डिस्कस करेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में. और अभी हम जानेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में. और ये आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके. इरेशनल नंबर्स. तो इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? अभी हमने डिफाइन किया था व्हाट इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर. तो अब हम देख रहे हैं इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं. तो यानी वैसा नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर्स. तो जैसे द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड एंड इरेशनल नंबर्स. इसका एग्जांपल देख लें तो कौन से नंबर है जिन्हें हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? तो हम कह सकते हैं √3, √11, √17. यानी there are so many numbers which cannot be written in the form of p by q are known as irrational numbers. तो इसको हम decimal expansion के form में भी इस प्रकार समझ सकते हैं, 1.13 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 dot dot dot. decimal expansion के form में irrational numbers को हम इस प्रकार समझ सकते हैं. यहाँ पे हमने जो उसका एक एग्जांपल लिया है, उसमें हमने देखा डेसिमल के बाद 1 3, फिर यहाँ डबल 1 3, फिर यहाँ पे ट्रिपल 1 3. तो ये रिपीट नहीं कर रहा है. यहाँ पे हमने एक सिंगल 1 लिया है, यहाँ पे हमने डबल 1 लिया है, यहाँ पे हमने ट्रिपल 1 लिया है, यहाँ पे हमने 4 1 लिया है. तो हमने देखा कि यहाँ पर ये रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे. तो हम कह सकते हैं द नंबर हुज
डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। और भी इसका एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। 4.32 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 dot dot dot। और भी एग्जाम्पल्स इसको लिख सकते हैं, 1.32 1 4 5 9 3 2 5 3 2 1 dot 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 dot। हमने ये दो एग्जाम्पल्स लिखा है इरेशनल नंबर्स के लिए। हमने देखा यहाँ पे हमने सिंगल थ्री लिया है, सिंगल टू, फिर यहाँ पे हमने डबल थ्री लिया है, डबल टू, यहाँ पे ट्रिपल थ्री लिया है, ट्रिपल टू, और ये आपका इसी तरह से इनफाइनाइट टर्म तक गया है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं 1.321, यानी यहाँ पे 4, 5, 3, इस तरह से अगर हम नंबर लिख दे तो बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, सर ने यहाँ पे 3, 2, 1 लिखा था, फिर बीच में बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, फिर लास्ट में 3, 2, 1, तो वो सोच सकते हैं कि हो सकता है उसके बाद फिर ये रिपीट क्या हो, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम और भी कुछ नंबर्स लिख दे रहे हैं, जैसे 6 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो अब हम देख सकते हैं 3, 2, 1 के बाद यहाँ 4, 5 है, फिर आगे हम बढ़ रहे हैं 3, 2, 1 के आगे 6, 5, यानी ये टर्म जो हमने लिखा 3, 2, 1 ये सेम यहाँ आया है, तो उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ 4, 5 है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 6, 5 है, तो यानी ये रिपीट नहीं कर रहा। तो इस प्रकार के नंबर्स को हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।